तेलंगाना के अंदर गुजराती भोजन मिला और वो महत्वपूर्ण इसलिए कहना है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता जिनका नाम नवजोत सिद्धू है, उनको शायद पसंद नहीं आएगा मेरा कहना कि उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ लेकिन मुझे दक्षिण भारत में कुछ खाने को मिलता है वहाँ का भोजन तो खा लेता हूँ कुछ दिन, पर मुझे वापस अपने भोजन की याद आती है और भाषा के ज़रिए भी मुझे यहाँ की भाषा कोई समझ नहीं आती। तो मैं खुशी के साथ कहती हूँ कि मैं दक्षिण भारतीय भोजन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। देश भर में भ्रमण करने का मौका मिलता है तो देश भर के तरीके तरीके के व्यंजन खाने का भी मौका मिलता है और मेरे को बहुत एन्जॉयमेंट है उसके अंदर। और मेरा अपना नाम मीनाक्षी है जो कि मैं उत्तर भारत में पली बड़ी और पैदा हुई महिला हूँ लेकिन नाम मीनाक्षी है। ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है कि हम लोग सौहार्द के साथ एक दूसरे के प्रति और देश की एकता के प्रति समर्पित हैं। ये कहना आज आवश्यक इसलिए लगा कि वही कांग्रेस पार्टी जो कि तेलंगाना की सब मुश्किलों के लिए जिम्मेवार है और आंध्र प्रदेश की वो पार्टी जिसका नाम TDP है जो कि कांग्रेस के खिलाफ बनी थी, आज दोनों एकजुट हो रहे हैं और वो दोनों एकजुट हो रहे हैं किसी और मंसूबे से नहीं, सिर्फ गुड गवर्नेंस देश के एक राज्य को प्राप्त ना हो इस मंसूबे से। अगर आप इन दोनों पार्टीज़ का इतिहास देखें तो चाहे वो PV नरसिम्हा राव जी का एक यादगार का स्थल बनाने का मुद्दा था, तो वो कांग्रेस पार्टी जिसने PV नरसिम्हा राव जी को जो कि तेलंगाना के ही क्षेत्र से थे, जन नेता थे और देश के प्रधानमंत्री उस समय बने जब देश बहुत कठिन और विकट स्थिति से गुजर रहा था, उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए विद्वत्ता के साथ देश की रक्षा और सुरक्षा की और उस पर काम किया और नतीजा ये कि उनके देहांत के बाद वही कांग्रेस पार्टी जिसको उन्होंने बना के रखा और जिसके प्रति वो समर्पित रहे, उसने उनके शव को भी वो मान सम्मान नहीं दिया जो कि एक प्रधानमंत्री नहीं अपनी पार्टी के नेता के लिए भी दिया जाता है। और ये बात मैं कुछ सोच समझ कर कह रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है तेलंगाना के उन लोगों के ऊपर जो कि वारंगल और अन्य ऐसे रूरल बेल्ट से आते हैं जिनको अच्छी तरीके से मालूम है कि इस प्रदेश ने देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए, वो लोग जो कि देश की एकता अखंडता के लिए पूरी तरह समर्पित थे, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सिवाय एक परिवार के जिसकी दास्ता अपने लिए मंजूर की लेकिन नेताओं को रेकग्नाइज करना पहचान बनाना मंजूर नहीं किया। और सिर्फ PV नरसिम्हा राव नहीं, आज विषय एक और है कि 125 मीटर अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित करने का वायदा किया गया था KCR द्वारा और वो मूर्ति नहीं, आज तक तो मैंने नहीं देखी, बनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, पर मेरे को जो भी सूत्रों से पता चला है उन सूत्रों के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि ऐसी कोई मूर्ति बनी नहीं है, लेकिन मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की मूर्ति बनी है वो इस स्थान को ज़रूर याद दिलाना चाहती हूँ कि आप सोचिए कि हैदराबाद 1949 तक भारत का हिस्सा नहीं होता अगर सरदार पटेल यहाँ पर नहीं होते, और उन सरदार पटेल की भी यादों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई और किसी और द्वारा नहीं, उसी परिवार द्वारा जिसका जो अस्तित्व है वो केवल कबूला नहीं बल्कि उसके वर्चस्व के आगे हर कांग्रेस का बड़ा नेता बौना दिखाई देता है। और ऐसी परिवार के रूप में चलाए जाने वाली कांग्रेस पार्टी आज उसी परिवारवाद को बढ़ाते हुए जो प्रजा कुटुंब के नाम से बनाए जाने का जो नया कोएलिशन है वो बात की जा रही है, वो कुटुंबम नहीं है बल्कि वो कुटुंबम है, और वो कुटुंबम इसलिए है क्योंकि वो आप हर पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए सिवाय एक परिवार या दूसरा परिवार, परिवारवाद को ही बढ़ाया जा रहा है और राजनीति को कोई सेवा के प्रारूप के रूप में नहीं बल्कि परिवार के धंधे के रूप में, बिजनेस के रूप में
देखा जा सकता है. इट्स अ फैमिली बिजनेस बेसिकली. दैट्स व्हाट दीज पीपल आर इंगेजिंग इन. एंड देयर इज अ क्लास डिवाइड अमंग्स द पीपल कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो सत्ता में हमेशा बने रहें और कोई भी गरीब किसान मजदूर इस देश का नेता कभी बन ना पाए. और यही नतीजा है कि इस तरीके की पार्टियां एकत्र हुई हैं, इकट्ठी हुई हैं, और उनका मंसूबा भी एक है कि इस देश के मेहनतकश देशवासियों में जब एक व्यक्ति जो बचपन में चाय भी बेचता है, काम भी करता है, वो भारत का प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता अगर किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है. और भारतीय जनता पार्टी का मामूली से मामूली कार्यकर्ता भी एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा अगर उम्मीद की जा सकती है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के रूप में की जा सकती है. अन्य किसी पार्टी को तो आप देख लीजिए, वो फैमिली बिजनेसेस की तरीके से ऑपरेट करते हैं. और साथ ही जो भी गुड गवर्नेंस का विषय है, उस गुड गवर्नेंस के विषय पर KCR की फेलियर्स भी आप सबके सामने हैं. आप सबके सामने हैं कि किस प्रकार से, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, लोन वेवर का मामला हो, या फसल बीमा का मामला हो, फसल बीमा किसानों को उपलब्ध नहीं हुआ क्योंकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से का पैसा उस पर लगाने से इनकार कर दिया, और उसी किसान बीमे का लाभ उन राज्यों को मिला जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. उसी प्रकार आयुष्मान भारत जैसी स्कीम जिसमें 5 लाख रुपये तक की कवरेज अन्य राज्यों को उपलब्ध है और इस राज्य को उपलब्ध नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो इनकी योजना है, राज्य की योजना है, उसमें मात्र 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपये की योजना उपलब्ध है और सब बीमारियाँ भी उसमें कवर नहीं होती हैं. MSME का मामला हो तो 7000 से ऊपर ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बंद हुई हैं राज्य के अंदर, और वो इंडस्ट्रीज़ पोचमपल्ली, गदवाल, नारायणपेट, वो वायदा भी था कि जितनी साड़ी बनेगी वो सब राज्य खरीदेगा, लेकिन राज्य सरकार ने एक भी साड़ी नहीं खरीदी और वहाँ के बहुत सारे MSME के यूनिट्स बंद हो गए. और देश भर के अंदर 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को इंगित किया गया जहाँ पर MSME को बढ़ावा देने के लिए 59 मिनट्स के अंदर 1 करोड़ रुपये तक का जो लोन है वो सैंक्शन किया जा रहा है और MSME को बाजार बनाने से लेकर बाजार तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन उसका लाभ भी तेलंगाना राज्य को नहीं प्राप्त हुआ. तेलंगाना राज्य को अन्य, जैसे अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना को देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अन्य राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर लोगों को लाभ मिला, लेकिन यहां पर जो दो कमरे का मकान बनाने का वायदा था आवास योजना का, वो उसका लाभ मिला है क्या? एक भी मकान बना है क्या? इतने सारे भवनों की घोषणा हुई, एक भी भवन बना क्या? तो KG से PG तक की पढ़ाई मुफ्त होगी, वो हो गई क्या? इरिगेशन के माध्यम से जो इरिगेबल लैंड है उस पर काम हुआ, वो नहीं हुआ. तो मेरा कहने का मकसद है कि दो भिन्न प्रकार के आपके सामने दल दिखाई दे रहा है. एक तो दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में TDP, TGS, ये सब लोग इकट्ठे हैं और वो केवल कुछ नेताओं को चेहरे इस्तेमाल कर रहे हैं पर असलियत में ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और ये वही लोग हैं जो कि तेलंगाना के साथ जिन्होंने सबसे अधिक धोखा किया. तो इन लोगों ने धोखा किया, चाहे वो ज़मीनों के स्कैम्स हुए या लोगों को रोज़गार नहीं मिले या किसानों की मुश्किलें बढ़ी, वो सब के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं. और यही कारण है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ. और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन, तेलंगाना एक राज्य नहीं होता अगर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट नहीं होती. अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी तेलंगाना के लिए वोट नहीं करती तो तेलंगाना राज्य नहीं बन सकता था. दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि गवर्नेंस के नाम पर SC ST के नाम पर जीत कर आए और ये कहकर आए कि SC ST के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन खुद मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने भी परिवारवाद शुरू कर दिया और एक ही परिवार के नाम पर राज्य और शासन चलेगा, ऐसा प्रतीत होता है. तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है. बीच में से अगर उम्मीद की किरण और होप कहीं निकलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में निकलती है जो कि पूर्ण रूप से भारत की एकता, अखंडता और गुड गवर्नेंस के लिए तत्पर है और समर्पित है. और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है इसका एक बहुत ही मुखर बिंद बन सकता है और यहाँ पर अगर एक ऑप्शन के रूप में है
तो वो ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ पर ना जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, ना किसी अन्य नाम पर ऐसा कार्य किया जाता है, लेकिन समाज की आस्थाओं में विश्वास रखते हुए गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया जा रहा है। चाहे वो MSME को बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी विषय हो। और महिलाओं के विषय पर मुझे याद आया, KCR जी की सरकार में तो एक भी महिला मंत्री नहीं है, और एक भी इस लायक नहीं समझा, एक उनकी अपनी बेटी है तो उसको खाली सांसद बना के छोड़ दिया दिल्ली में। तो महिलाओं के विषय पर भी अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। MSP के विषय को लेकर अगर काम हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इरीगेशन को लेकर जिन राज्यों के अंदर काम हुआ है और जो भी उसके नियमानुसार चीज़ें बढ़ी हैं और इरीगेबल एरिया बढ़ा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो राज्य को कहीं ना, और वो 32 करोड़ लोग जिनके खाते खुले, जो लोग एक अर्थव्यवस्था से अब तक दूर थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुद्रा योजना के तहत 17.5 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया, और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया में जो भी लाभ मिला वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हर प्रकार का काम अगर विकास से जुड़ा हुआ है और लोगों की मदद करने के लिए अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। लेकिन आज मुझे एक और बात पे हैरानी होती है, और वो हैरानी होती है जो उत्तम कुमार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बयान पर मेरे को आपत्ति है, और घोर आपत्ति है कि उन्होंने कहीं ना कहीं यशुराज और इस तरीके की बातें करने की कोशिश की है। ये देश भारत के संविधान से चलने वाला देश है, जो दिल्ली के अंदर संविधान की बात करते हैं, पंजाब के अंदर पाकिस्तान की बात करते हैं, और तेलंगाना के अंदर यशुराज की बात करते हैं। इनके ये अलग अलग प्रतिबिंब जो हैं वो एक ही प्रतिबिंब है, और वो प्रतिबिंब है कि पार्टी के नाम पर इस परिवार का शासन बरकरार रहे, और नेहरू गांधी परिवार, पता नहीं गांधी कैसे, मुझे आज तक वो एक अलग विषय है अपने आप में, कि जो नेहरू परिवार है उसकी सत्ता बनी रहे। इस प्रकार के जो ढोंग ढकोसले हैं कि कहीं गए तो टोपी पहन ली, कहीं और गए तो अचकन के ऊपर जनेऊ पहन लिया, मंदिर में गए तो नमाज पढ़ दी, और मस्जिद में गए तो हाथ जोड़ दिए, ये ऑपरचुनिस्टिक पॉलिटिक्स जो ये कर रहे हैं, उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा है। और वो कहीं ना कहीं वोटों को, लोगों को भ्रमित करने के लिए कहा कि यशुराज होना चाहिए। यशुराज तो बाइबल में भी जिक्र नहीं है जी, रामराज का कम से कम रामायण में जिक्र तो है, यशुराज कहाँ से आया मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती। लेकिन धर्म के नाम पर अगर वोट मांगे जा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन चुप क्यों बैठा है, और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर उनको कॉग्निजेंस लेकर नोटिस क्यों नहीं दिया, ये मेरा प्रश्न आज की तारीख में है। और मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से मेरा संदेश सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर पहुंचे, और इलेक्शन कमीशन इसको सूचना देकर नोटिस करे, और इनको घर बिठाए, इनको चुनाव से बाहर करें।